वेलकम बैक जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। 6 सितंबर है आज, और आज हम याद कर रहे हैं 1965 की वो जंग और वो हमारी फतह जो हमारे गाजियों, हमारे जवानों, हमारे उन शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए ये वो तमाम कुर्बानियाँ दी, और बस उसको आज हमने सेलिब्रेट करना है। और वो जो स्पिरिट था उस ज़माने के अंदर, उस टाइम के अंदर, जो लोगों के दिलों में, चाहे वो फ़ौजी जवान हों, चाहे वो घरों में रहने वाले हों, चाहे वो फ़नकार हों, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक था, मगर हर किसी के अंदर वो वलवला, वो जज्बा था, उस स्पिरिट के बारे में बात करनी है और उसको उजागर करने की इस वक्त ज़रूरत है कि हर पाकिस्तानी के दिल में वही जज्बा आज चाहिए, क्योंकि आज भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। और इंशाल्लाह अगर हम एक हो गए, अगर हम इकट्ठे हो गए, जो कि हमें उम्मीद है और यकीन है हम हो जाएंगे, जब हो गए तो इंशाल्लाह ये तमाम मुश्किलें, तमाम घटाएं, तमाम परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ, वेरी ऑनरेबल फॉर अस, ब्रिगेडियर फारूक हमीद, ही इज़ कॉलमिस्ट, रेडियो एंकर भी हैं, हैव मेजर कमांड ओवर डिफेंस एंड पोलिटिकल इशूज़। इन्होंने सर्व किया आर्मी में 1971 से 2006 तक एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, और आज भी हम उनको मुख्तलिफ अखबारात में लिखते हुए पढ़ते भी हैं और उनको मुख्तलिफ शोज़ में भी देखते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। आज आपसे आपकी जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी कमांड है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को भी आप ज़रूर अवेयर करें। ख़वातीन हज़रात, इनसे गुफ्तगू होगी, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं, वेरी ऑनरेबल फॉर अस, हमारे मुल्क का एक ऐसा अजीम बुज़ुर्ग, एक ऐसे अजीम बाप जिसने एक अजीम बेटे को जन्म दिया, वो ऐसे अजीम बेटे जो ऐसा जज्बा और ऐसा वलवला रखते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क की मिट्टी के लिए, और बचपन से शायद उनको तैयार ही इस तरह से किया जाता है कि अगर तुम्हारी कभी जान जाए तो इस मिट्टी के लिए। और एक ऐसा ही जवान, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन जहां जेब उनका नाम था, हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, और ऐसे तमाम जवानों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे मुल्क की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से ढेरों सलाम है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, नसरुल्ला साहब, जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व किया। इनके दो बेटे थे, ये सबसे छोटे थे, बेटियां भी हैं, मगर इस बेटे ने अपने मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी, और वो अजीम बाप इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपसे जो आपकी बेटे की दास्तान है, जो बहादुरी की, जो निडर जिस तरह से वो जवान थे, उसके हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे और बात करेंगे। हमने ये सुना था नसरुल्ला साहब के आपके बेटे, एक तो ये कि जज्बा हुबुल वतनी तो जो थी, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जोश था उनका कि वो इस मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाएं, और हमने ये भी सुना था कि वो बहुत पढ़ने के बहुत शौकीन थे। हमें ज़रा थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि हम आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उन्होंने कब ज्वाइन की आर्मी, बिकॉज 1965 की तो हम बात कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस स्पिरिट की जो उस वक्त भी था और आज भी हमारे बच्चों में है, और हम चाहेंगे जिन्होंने अपने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके उस जज्बे के जो कहानी है, जो दास्तान है, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। जी सर, कब ज्वाइन किया था आपके बेटे ने? बेटे ने वो 2005 में कमीशन, 2005 में कैप्टन जहाँ से फर्स्ट अपॉइंटमेंट सियाचिन में हुई थी। ठीक, फर्स्ट अपॉइंटमेंट सियाचिन में हुई थी। बड़ा आउटस्टैंडिंग था अपनी फील्ड में, तो हम तो समझते थे कि ये आर्मी में फिट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों समझते थे कि आर्मी में फिट नहीं है? ये आपने देखा ना, जिस तरह का उसका रहन सहन है, आपने देखा माशाल्लाह, दाढ़ी उसने शुरू से बचपन से कभी उसने दाढ़ी नहीं बनाई थी। दूसरा, बहुत ज़्यादा इस्लामी ज़हन का था, लेकिन वो ये कहता था कि बस इंसान को जिस शोबे में भी जाए ऑनेस्टली काम करना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो बाकी चूँकि दीनी लिहाज से वो बड़ा कॉम्पिटेंट था, वो तो कहता था
कि बंदे का ईमान होना चाहिए कि मौत एक दिन आनी है, सही। तो अल्लाह ताला शहादत की मौत दे दे, सही। तो इससे मौत कोई अच्छी नहीं, सही। तो अच्छा, ये जब मैं मेहमद एजेंसी में गया, ये 22 पंजाब का एक ही जवान है जो मेहमद एजेंसी में शहीद होके वापस आया। अच्छा। हाँ जी, ना कोई सिपाही शहीद हुआ ना कोई और अफसर शहीद हुआ, सिर्फ तो जो कोई वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें जब वो वहाँ पर गए तो माइन ब्लास्ट हुई है, माइन ब्लास्ट हुई जी, तो उससे ये तो उनकी जो ख्वाहिश थी, जो उनका उनकी दिल में बचपन से था कि मुझे नहीं, बचपन में नहीं, जब फौज में गया ना उसके बाद ये उसने बस कहा कि जो मैंने हलफ उठाया उसकी मैं पासदारी करूँ। सही। और जितने उसके सीओ साहब मेरे पास आए थे वो कहते थे जितने मुश्किल काम होते थे ये वॉलंटियर होता था। अच्छा, कि मैं करूँ, मैं करूँगा। सही। तो आपको मैगजीन दिखाया है, मैंने एक दफ़ा ये 69 दहशत गर्द पकड़ के लाया है वहाँ से। अच्छा। सवाबी से। सही। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी ड्यूटी की है, तो इसको 14 अगस्त को 17 साल अनाउंस हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। आर्मी सर्विस तो इसकी 5 साल की है। अच्छा, सिर्फ 5 साल की सर्विस। सही। मगर 2005 में कमीशन मिला था इसको अप्रैल में, और फरवरी 2 फरवरी 2011 को शहीद हो गया। सही। अल्लाह मियाँ उनको बहुत बुलंद दर्जे करे, क्योंकि ज़ाहिर है शहादत का दर्जा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा। सर, कमिंग टू यू, नसरुल्ला साहब तो हमारे साथ हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी और जो भी मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। स्पिरिट ऑफ 6 सितंबर, यौम दिफाए पाकिस्तान जो हम मनाते हैं, हम जब हर साल जब कभी हम अपनी फतह की बात करते हैं या सोचते हैं उस हवाले से, व्हेन वी गो बैक इन टाइम, हम देखते हैं कि उस वक्त जो जज्बा था, जो स्पिरिट था, जो लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की लहर थी, वो बस मैं कहती हूँ कि उसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। तो उस स्पिरिट के हवाले से हम चाहेंगे कि ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि आपने सर्व तो आप व्हेन यू स्टार्टेड 97 में, आपने 71 में सॉरी स्टार्ट किया, तो 65 की वॉर आपने डेफिनेटली सुना होगा, और बिकॉज़ वो तो उस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लड़कों को, बच्चों को मोटिवेशन भी बहुत मिलती होगी, दैट्स द रीज़न प्रोबेबली वी वांट टू गो टू द आर्मी। सर, क्या आप एक्सपीरियंस देखते थे, क्या फील करते थे, क्या एनर्जी थी उस वक्त की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 1965 की वॉर में हुआ ये था कि एक मकार दुश्मन ने पाकिस्तान पर बग़ैर ऐलान जंग हमला कर दिया। सही। इंडियन आर्मी क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर 6 सितंबर की सुबह और लाहौर पे हमला किया, और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 7:30 या 8 बजे उस वक्त के सदर प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान, उनकी वो तारीखी तकरीर थी जो मुझे आज तक नहीं भूलती। वो मैं चाहूंगी कि वो जो तकरीर, क्योंकि वो बहुत मोटिवेशनल तकरीर में जी, उस तकरीर में एक उनका जुमला था, उन्होंने कहा कि दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। सही। मुझे आज भी, और मैं बार बार इस स्पीच को इंटरनेट पे है मैं सुनता हूँ, उस स्पीच का इतना, इट वाज सच एन इंस्पायरिंग स्पीच, इतना इंपैक्ट। और देखिए कि उस स्पीच का इफेक्ट ये हो कि पूरी कौम, मैं कहता हूँ मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर पाकिस्तानी जो है वो खड़ा हो गया कि हमने दुश्मन का मुकाबला कर। जी, रुकेंगे ब्रेक के लिए और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक से आने के बाद।